नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। लेकिन छुप नहीं सकती ये खबर कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के हर मंत्री जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उससे दूर आज हम आपको लेकर चलेंगे पूर्वोत्तर। बीजेपी के लिए असम में ऐसा सूरज निकला है जो उसकी राजनीति में आने वाले हर रोड़े का उत्तर बनेगा। सबको आनंद में लाने वाले सर्वानंद सोनवाल की जीत के देश की सियासत में कौन से गहरे अर्थ हैं, ये तह तक के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। तो बीजेपी के उत्तर के बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सर्वानंद के अलावा परमानंद की भी बात करेंगे। ये वो बाबा हैं जिसने धर्म को धंधा बना दिया, उसके सारे गोरख धंधे हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे। धर्म की बात होगी तो इंसानियत तक जाएगी। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने कसम ली है कि अमावस्या को पूर्णिमा में बदलने की कोशिश करेगा। देश की बात, जी हाँ, ये ऐसा पहला बुलेटिन है जिसमें इंटरनेशनल खबरों के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बीबीसी स्टूडियो। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों से। असम में सर्वानंद सोनोवाल ने सीएम पद की शपथ ले ली है। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में 8 राज्यों के सीएम और 5 केंद्रीय मंत्री शरीक हुए। इस मौके पर सर्वानंद असम की जनता का आभार जताना नहीं भूले। सोनोवाल के अलावा बीजेपी से 6 और एजीपी बीपीएफ के 2-2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चंद्रमोहन पटवारी, केशव मोहंता, अतुल बोरा, रंजित दत्ता, परिमल प्रमिला रानी, ब्रह्मा रिहोन देमारी ने मंत्री पद की शपथ ली है। सोनोवाल ने अपने कैबिनेट में असम के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सर्वानंद सोनोवाल की काफी तारीफ की। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास में असम केंद्र बिंदु है। उन्होंने जीत दिलाने के लिए असम के लोगों का आभार जताया। तो प्रधानमंत्री ने राज्य को भरोसा दिया है कि सर्वानंद यहां के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले सेशन तक सभी निजी मेडिकल कॉलेज साझा प्रवेश परीक्षा यानी नीट के दायरे में आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे जिसमें राज्य बोर्ड को 1 साल के लिए नीट में बाहर रखने की बात कही गई है। राज्यों के छात्रों को स्नातक मेडिकल परीक्षा में इस साल शामिल होने का मौका मिलेगा। बीजेपी पानी की समस्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दिल्ली की जनता बिजली और पानी से त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली सरकार के मंत्री दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। दिल्ली के बाद बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिल्ली पहुंचकर सीबीआई के सामने सवालों के जवाब दिए। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके स्टिंग को लेकर सवाल हुए हैं। रावत को 7 जून को दोबारा पेशी पर बुलाया गया है। हरीश रावत ने कहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और जांच में हर तरह से सीबीआई का सहयोग करूंगा। दिल्ली के नजफगढ़ में आज एक एयर एम्बुलेंस को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के दोनों इंजन एक एक करके खराब हो गए थे, जिसके बाद पायलट ने विमान को खेतों में उतार दिया। विमान में सवार 7 लोगों में से 2 घायल हो गए। हालांकि एम्बुलेंस जिस मरीज को लेकर आई थी उसे चोट नहीं आई है। यूपी के बाराबंकी में निसंतान महिलाओं से बच्चा पैदा करने के नाम पर उनके साथ रेप करने वाला आरोपी, जी हां, बाबा गिरफ्तार हो गया है। ढोंगी बाबा रामशंकर तिवारी और परमानंद को पुलिस ने मध्य प्रदेश के सतना से दबोचा है। परमानंद पर 12 केस दर्ज किए गए हैं। ढोंगी बाबा के कारनामों का वीडियो वायरल होने के बाद ही वो पिछले 15 दिनों से फरार था। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस नेताओं की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है। यहां पैसे मांगने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाय वाले की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा के धरने के दौरान देखने को मिली। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी के पहले चरण के लिए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 13 शहरों की सूची जारी कर दी है। इसमें लखनऊ, वारंगल, धर्मशाला, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन कोलकाता, भागलपुर, पणजी, पोर्ट ब्लेयर, इम्फाल, रांची, अगरतला और फरीदाबाद शामिल है। इन शहरों के स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।
मध्य प्रदेश के दो युवाओं ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। 64 दिनों तक चले इस अभियान के बाद दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इनमें से एक खेल विभाग में काम करता है तो दूसरा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता है। इनके साथ यूरोप के दो देशों के पर्वतारोही भी शामिल थे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश के शीर्ष कमांडर सैफुल्ला सहित दो आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि तीसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया है। इससे पहले सोमवार को भी आतंकी मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए थे। लड़ाकू विमान F-16 पर सब्सिडी नहीं देने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। जी हां, एक सैनेट पैनल ने पाकिस्तान को मिलने वाली $300 मिलियन की मिलिट्री मदद को रोकने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को ये मदद अब तक नहीं मिल सकेगी जब तक कि वो हक्कानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ठोस एक्शन का सबूत नहीं दे देंगे। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं उस बड़ी खबर का जो आज सबसे ज्यादा हेडलाइंस में रही। जी हां, असम में सर्वानंद सोनोवाल की ताजपोशी जिस भव्यता और दिव्यता के साथ हुई वो इस सच को इजहार है कि बीजेपी के हाथ सिर्फ एक राज्य की सत्ता नहीं आई है, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आई है, बल्कि इसने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर के दरवाजे खोल दिए हैं, संघ की विचारधारा को विस्तार दे दिया है, दक्षिण पंथी सियासत को नई जमीन मुहैया करा दी है। শ্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে ঈশ্বর নামত শপথ খায় কওঁ যে। हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सैलाब में सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों समेत दिग्गजों का जमघट। ऐसा लगा जैसे पूरी बीजेपी ही गुवाहाटी की मेहमान बनकर टपक गई हो। पूरा खानपाड़ा मैदान भगवा रंग में रंग गया। खचाखच भरे खानपाड़ा मैदान में सर्बानंद के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सभाओं में पीएम मोदी जिस आनंद का ख्वाब बांट रहे थे, आज वो हकीकत की जमीन पर पसरा दिखा। फिजा में घुल गया सर्बानंद और ईरान से लौटकर समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया। असम के सर्बानंद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ असम के भाग्य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस भव्यता और दिव्यता के मायने क्या हैं? सूत्रों की माने तो इस भव्यता के जरिए केंद्र सरकार पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि समारोह में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। लेकिन ये बहुत छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी की सत्ता का प्रवेश द्वार, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार, संघ की सोच और दक्षिण पंथ की जमीन का फैलाव, धर्म गुरुओं की खास मेहमान नवाजी इसकी तस्दीक कर रही है। दरअसल असम में बीजेपी की बागडोर सर्बानंद सोनोवाल के हाथ थी। कांग्रेस के बागी हेमंत बिस्वा का साथ मिला तो ताकत दुगुनी हो गई। दोनों नेताओं की जमीनी ताकत में शामिल हो गई राम माधव की अचूक रणनीति। जाहिर है बीजेपी ने कांग्रेस के बरगद गोगोई को उखाड़ फेंका, पार्टी को सत्ता दिला दी और असम में इतिहास रच दिया। लेकिन अतीत के आईने में देखें तो असम में बीजेपी के प्रवेश की बुनियाद दिवंगत कुशाभाऊ ठाकरे और बंसीलाल सोनी ने दशकों पहले डाल दी थी। ये तब की बात है जब यहाँ बीजेपी का नाम भी नहीं था। आरएसएस को ऐसा लगता था कि असम में उसकी फसल लहलहाने की जमीन पहले से मौजूद है। मसलन बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला, जो आरएसएस के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे के फैलाव के लिए बिल्कुल माकूल था। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के भूगोल और चीन के नापाक मंसूबे भी आरएसएस के लिए गहरी चिंता के सबब थे। लेकिन संघ और बीजेपी की मिलीजुली मशक्कत ने इतिहास रच दिया। 2008 में जैसे येदुरप्पा की रहनुमाई में कर्नाटक जीतकर बीजेपी ने दक्षिण का दरवाजा खोला था, वैसे ही बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार अब असम बन गया है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, जिस सांस्कृतिक एकरूपता का ख्वाब बुना था, वो कांग्रेस के विविधतावादी राजनीतिक सोच के खिलाफ था।
1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी राष्ट्रवाद का राग अलापा, लेकिन कांग्रेस की सत्ता इस सोच की राह का रोड़ा बनी हुई थी। इन सब के बावजूद अकेले असम में 590 सरस्वती शिशु मंदिर खोलकर संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता असंभव को संभव करने में जुटे थे, पत्थर पर सरसों उगाने की कोशिश कर रहे थे। हालिया चुनाव की बात करें तो असम में विश्व हिंदू परिषद के लगभग 2500 कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। असम की जीत दिल्ली और बिहार की हार के जख्म पर तो मरहम है ही। बीजेपी नेताओं को ये कहने का मौका भी दे चुकी है कि मोदी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। असम की जीत से बीजेपी भले ही बल्ले बल्ले कर रही हो, कह रही हो कि अब पूरे पूर्वोत्तर पर शासन करेगी, लेकिन क्या इसमें पूर्वोत्तर के वासिंदों की पीड़ा खत्म हो जाएगी? उग्रवाद और सुरक्षा बलों के संघर्ष में पिस रही आम आवाम की मुश्किलें दूर हो जाएंगी? क्या अपने ही देश में बेगाने बनने का उनका दर्द दूर हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ असम ही नहीं पूरा पूर्वोत्तर जानना चाहता है। वो भारत की आत्मा है, लेकिन अपने ही उड़ाते हैं उसका मजाक। वो पूर्वोत्तर है, वो भारतीय सूबों की सात बहने हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो भाइयों ने उनकी राखी की कद्र नहीं की, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। विकास की रफ्तार में ये राज्य भारत के दूसरे हिस्सों से काफी पीछे छूट गए हैं। बात चाहे बुनियादी संरचना की करें या फिर सुख सुविधाओं की, पूर्वोत्तर अब भी बराबरी की बाट जो रहा है। जर्जर सड़कें, स्कूल कॉलेजों की कमी, बेरोजगारों की भीड़ और पलायन की पीड़ा, दर्द की दास्तान यही खत्म नहीं होती। हर कहीं बार बार ये नस्लीय भेदभाव के शिकार होते हैं। कोई रंग रूप और भाषा का मजाक उड़ाता है तो कोई राह चलते घूरने लगता है। कई बार ये हिंसा के भी शिकार होते हैं। दर्द घर के बाहर है तो घर के भीतर और ज्यादा। बात चाहे असम की जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की करें या फिर नागालैंड और मणिपुर में सुरसा के मुंह की तरह फैलते उग्रवाद की, केंद्र में बैठी सरकारों ने इन समस्याओं को सुलझाने की जगह इनके हाल पर छोड़ दिया। जिन समस्याओं का हल राजनीति और समाज दे सकता था, सरकार उसका पुलिसिया हल ढूंढती रही। 15 साल से अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला चानू की दास्तां पूर्वोत्तर के हालात की सुलगती सच्चाई बयां कर रही है। शोषण और उत्पीड़न के बावजूद इरोम शर्मिला ने हिंसक रास्ते की जगह विशुद्ध गांधीवादी रास्ता चुना, लेकिन गांधी के मुल्क में सत्याग्रह की आवाज अनसुनी रह गई। हाँ, सरकार वार्ता के लिए तैयार जरूर होती है जब नौजवान हथियार उठा लेते हैं। कभी उल्फा आतंकी खूनी खेल खेलते हैं तो कभी नगा विद्रोही, गाहे बगाहे मैती और कूकी विद्रोह भी भड़कते रहते हैं। बेशक इन हथियारबंद उग्रवादियों से देश के दुश्मन भी साठगांठ करते हैं और सरकार के सामने इनसे निपटने का और कोई रास्ता नहीं रह जाता, लेकिन आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? क्या हथियार उठाने से पहले ही शासन उनका दर्द नहीं समझ सकती? क्या विकास पूर्वोत्तर की समस्या का हल नहीं है? जाहिर है हुकूमत में बैठे हमारे सियासतदान भी इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन आवाम की औकात को वोट के तराजू पर तौलने के आदि हमारे राजनेताओं के लिए पूर्वोत्तर की शायद कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा इसलिए कि इनके पास सांसद कम है, विधायक कम है, सरकार बनाने और गिराने में इनकी ताकत बेहद बौनी है। सवाल है कि क्या असम की जीत से बल्लियों उछल रही बीजेपी की मौजूदा हुकूमत इन नाइंसाफियों को दूर कर पाएगी? पूर्वोत्तर के लोगों में अपनेपन का एहसास करा पाएगी? क्या पीएम मोदी पूर्वोत्तर की पीड़ा दूर करने का वादा निभाएंगे? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो दिखाने की कोशिश बीजेपी ने ये जरूर की है और बताया भी है कि ताकत बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की लहर कम नहीं हुई है, जनता ने साथ दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक दी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे बीजेपी अपनी दस्तक बढ़ाए, इसको लेकर हर मंत्रालय को बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है और आज इसको लेकर बाकायदा नए बीसीसीआई अध्यक्ष ने डराया भी है, बीजेपी के नेताओं को चेतावनी भी दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक आनंद की तलाश में लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबाओं के दरबार में जाते हैं,
कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो महात्मा उस दुनिया का सच बता रहा था उसका सच क्या है। जी हाँ, सूरत से परमानंद नाम का एक बाबा गिरफ्तार हुआ है। उसके किस्से सुनकर आपको लगेगा कि अगर ये संत है तो शैतान कौन है। पिछले 15 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा बाराबंकी का भगोड़ा राम शंकर तिवारी उर्फ बाबा परमानंद मदद के लिए भगवान को याद करने का हक भी खो चुका है, क्योंकि बाबा के ऊपर अब बलात्कार, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास और लूट के कुल 12 केस चलेंगे। बाबा का जो हाथ कभी पुलिस के सिर पर था, अब पुलिस या हथकड़ी के हवाले है। एनडी तिवारी, रोहित शेखर, जगदम्बिका पाल और बाकी बड़े बड़े नेता हो या फिर अफसर, इन तस्वीरों से निकलकर बाबा की मदद के लिए अब कोई नहीं आने वाला। 12 मई को एक एमएमएस वायरल होने के बाद बाबा का घिनौना सच रोज पर्थ दर पर्थ सामने आ रहा है। ये इनका जो आश्रम में चल रहा था वो इसी बात पे चल रहा था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वहाँ पे आने से, और जो बाहर जो है आश्रम के बाहर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, उस सीसीटीवी कैमरा से ये जो है वहाँ बाहर जो महिलाएं देखी थी उनको चुनते थे कि किस तरीके से महिलाओं जो बहराने फुसाएं आ सकती है उनको चुनते थे, और वो लोग जो है उनके कमरे में प्रवेश किया था। परमानंद के वायरल हुए एमएमएस वीडियो में कुछ पोर्न वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है। शक है कि इन वीडियोस से बाबा माल भी कमा रहा था। परमानंद का आश्रम, जिसे अब अड्डा कहना चाहिए, उसके बाहर पीजीआई की लेडी डॉक्टर के कई होर्डिंग्स मिले हैं, जो बताते हैं कि धर्म के धंधे में भी मेडिकल साइंस का मार्केट कैसे जोड़ा जाता है। बात चली है तो कुछ पुराने परमानंदों को भी याद कर लेते हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि आसाराम के भक्तों ने AK-47 खरीदने के लिए 25 लाख का चंदा जुटाया था। बाबा का शार्प शूटर हल्दर मामले की आयु रही चंचल मिश्रा को बम से उड़ा देने की प्लानिंग कर रहा था। आसाराम और बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण का केस चल रहा है। इन केसों में गवाही देने वाले कई लोगों की भी हत्याएं हो चुकी हैं। साउथ इंडिया के कथित संत नित्यानंद का नाम आपको याद होगा। महाराज तमिल एक्ट्रेस और विदेशी लेडी के साथ कैमरे में कैद हुए थे। वो भक्तों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता था जिसमें मर्जी से सेक्स करने की सहमति ली जाती थी। और तो और, इस दुनिया से उस दुनिया में अपने रथ पर ले जाने का दावा करने वाले सारथी बाबा को रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद के एक होटल में वो MBBS की एक स्टूडेंट के साथ पकड़ा गया था। भगवा में दर्शन देने वाला बाबा होटल में टी शर्ट और सनग्लासेस में नजर आया था। गॉड मदर राधे माँ पर आरोप लगे थे कि उनकी माता की चौकियों में खुलेआम अश्लीलता होती थी, जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। आध्यात्मिक गुरु प्रकाशानंद सरस्वती को नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने के मामले में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। बलात्कार के 20 मामले साबित हुए थे जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और भूले नहीं होंगे आप फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के हीरो डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को। रेप के आरोप उन पर भी हैं और CBI अब जांच कर रही है। दुनिया से दुखी होकर हम धर्म में अपनी मुक्ति ढूंढने जाते हैं। कोई अपने गुरु को बुद्ध और कोई महावीर समझता है। बाबा खुद को कृष्ण और राम का अवतार बताते हैं, लेकिन परमानंद, प्रकाशानंद और इसी तरह के अलग अलग आनंदों की वजह से धर्म शर्म की दहलीज तक पहुंच गया है। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। और ऐसी खबरें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप कम से कम ऐसे बाबाओं से दूर रहें। बहरहाल, अब रुख करते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 4 दिन की चीन यात्रा पर। जी हाँ, चीन यात्रा पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति और उनके साथ हैं ETV नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा। चंद्रा साहब, जानना चाहती हूँ आपसे, आज पहला दिन कितना स्वागत और किस तरह का राष्ट्रपति का मूड? राष्ट्रपति का यहाँ पहुँचने एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ। ये चीन का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर का लुक एंड फील यूरोप जैसा है। शहर में चौड़ी सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, होटल्स हैं और शहर एक सबसे बड़ा औद्योगिक शहर चीन का इसे कहा जाता है। आज शाम को भारतीय दूतावास में राष्ट्रपति का रिसेप्शन हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इस फंक्शन में मौजूद थे। इस शहर में लाखों भारतीय रहते हैं, मुख्यतः बिल्डिंग मटेरियल
से जुड़ा व्यापार धंधा ये लोग करते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति के मूड का सवाल है, उनका मूड अच्छा है, वे प्रसन्नचित हैं, रिलैक्स्ड हैं, तनाव मुक्त हैं। इसका कारण ये है कि पिछले 3 दिन से नीट के अध्यादेश को लेके जो उलझन उनके दिमाग में थी, उसे आज सुबह उन्होंने दूर किया, अध्यादेश पे हस्ताक्षर किए। इस बार राष्ट्रपति जल्दबाजी में उत्तराखंड की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे सभी लोग एम्बेरस फील कर रहे थे, इसलिए इस अध्यादेश पे साइन करने से पहले उन्होंने 2 बार स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया, विधि विशेषज्ञों को बुलाया और बाद में संतुष्ट होकर के इस अध्यादेश पे साइन किए और इसके बाद वो चीन यात्रा पे रवाना हुए। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जी संतुष्ट हैं और रिलैक्स नजर आ रहे हैं। और अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। अक्सर कहते हैं दिल्ली के लोग खुद को सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड कहते हैं। इस पर कोई रिसर्च या सर्वे जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज वो वीडियो क्लिप आई है, उससे दिल्ली ही नहीं हमारी पूरी संस्कृति शर्मसार हो गई है। कैसे, देखिए किस्सा एक बेटी और माँ का। माँ की उम्र करीब 80 साल है और बेटी 60 के आसपास। वीडियो में शुरुआत में दोनों बालकनी में बैठी नजर आती है, किसी बात पर दोनों में कहासुनी होने लगती है। बेटी अपनी माँ को कमरे के अंदर ले जाने के लिए किस तरह का दुर्व्यवहार करती है देखिए तस्वीरों में। माँ जाने से मना करती है तो बेटी माँ को जोरदार थप्पड़ घसीट देती है। ये वीडियो दिखाने में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समाज का एक सच ये भी है, ये कड़वा सच है, इससे आंखें मूंद नहीं सकते। शर्म नहीं आ रही तेरे? अरे क्यों मार रहे, तेरी बूढ़ी औरत है, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। ए क्यों मार रहे है, बस कर, नहीं बुढ़ी औरत को मारे जा रही हो, शर्म नहीं आ रही तेरे? अरे होंदा माँ बिजी होती तो लड़ाई होती, तू मुंह तो मार जा, मर जा कर डूब के। अरे क्यों मार रहे, तेरी बूढ़ी औरत है, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। ए क्यों मार रहे, बस कर, नहीं बुढ़ी औरत को मारे जा रही हो, शर्म नहीं आ रही तेरे? देश की बात में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। अगर आप अपने आसपास बेटियों के खिलाफ होने वाली अपराध की खबरों से परेशान हैं, तो हमारी कोशिश है हर दिन आपको एक ऐसी बेटी से मिलाएं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज आपको लेकर चलते हैं हरियाणा। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा की पलक से मिलवाते हैं, जिसने CBSE की परीक्षा में ऑल इंडिया 2nd रैंक हासिल की है, वो भी मैथमेटिक्स में। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ एक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।